गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच आए अनेक भगत जिन्हां विचों श्री जयदेव जी महाराज दा अपना एक खास स्थान है। अनंत भगतां दी बाणी अनंत भाषावां विच गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच दर्ज है, क्योंकि भगत देश दे वख-वख प्रांतां नाल संबंध रखदे सन। श्री जयदेव जी महाराज बंगाल दे केंद्री नामक पिंड विच जन्मे, जिला भीम भेरू सी, और आप ठेठ बंगला भाषा दे विच ही माहिर सन। विद्या आपने संस्कार चूंके ब्राह्मणा दे सन संस्कृत दी हासिल कीती और संस्कृत दे महान पंडित बने। समस्त देश दे विच आपने भक्ति भाव दियां लहरां छड़ियां। आप ग्रस्ती सन, आप दी पत्नी दा नां पद्मावती सी। समस तीर्थां ते रटन करदे आया, प्रभु भक्ति दे गीत गांदे आया, लोकाई नूं रब नाल जोड़दे रहे। चूंकि आप बंगाल दे वसनीक सन, ते बंगाल दे लोकी गीत संगीत नाल बहुत प्यार रखते ने। विरासत चो मिलिया सी गीत ते संगीत। आप दा एक महान ग्रंथ है, जिस ग्रंथ दा नाम भी है गीत गोविंद। कहिंदे ने ए रोज उठ के गीत गोविंद दी छंदा बंदी करनी लिखना, ए आप दा रोजमर्रा दा कर्म बन चुकिया सी। इस ग्रंथ नू आप ने लिखे है महाराष्ट्र दे शहर पंडरपुर दे विच। कहिंदे ने एक दिन ऐसा होया, जद ग्रंथ संपूर्ण होण ते आया है, तां आप दी लिखण शक्ति कुंद होंदी गई। जदके पंडरपुर दे महाराजा ने आले दुआले दी तमाम संगतां नूं भगत प्रेमियां नूं ए कहला भेजा सी कि पूर्णमाशी वाले दिन बिठल दे मंदिर दे च गीत गोविंद नाम दे ग्रंथ दा प्रकाश होवेगा, और इस दे गीत जो भगती रस नाल भरे हुए ने संगतां नूं भगवत प्रेमियां नूं सुनाए जाणगे। पूर्णमाशी दे च सिर्फ दो दिन रह गए, गीत गोविंद दे भी सिर्फ दो छंद रह गए। लेकिन आज सारा दिन मेहनत करके आप लिखण दी कोशिश करदे रहे, लेकिन जयदेव दे दिमाग दे चों कोई गीत दी लैन ना आई, ते कलम लिखण दे च असमर्थ होई। भाई साहब भाई गुरदास जी इस प्रसंग नूं अपनी पौणी दे च इंज कलमबंद करदे ने, प्रेम भगत जयदेव कर गीत गोविंद सहज धुन गावे, लीला चलित वखाण दा अंतर जामी ठाकुर भावे। पर अखड़ इक नावड़ो बन पुस्तक संदया कर आवे, रोज निता प्रति अमृत वेले उठ के ग्रंथ नू नाल लै जांदे सन। नदी तट ते इशनान करन तो बाद अपने रोजमर्रा दे नितनेम तो फारग होके लिखदे सन, और जद काफी लिख लेंदे सन ते जद थक जांदे सन, तां आप इस गीत गोविंद नाम ग्रंथ नू सिर ते चुक के कर ले आउंदे सन और रोजमर्रा दे कर्म दे मशहूल होंदे सन। लेकिन अज निराश लौटे, अज पंक्ति नहीं बनी। गीत गोविंद नू संपूर्ण करना है, पर दिन भी सिर्फ एक रह गया, और गीत गोविंद दे च सिर्फ एक दो पंक्तियां ही रह गईं जो श्री जयदेव दे दिमाग दे च उभरदियां नहीं और कलम लिखण दे च असमर्थ है। ऐसी है कोई गैबी लीला वर्ती निराश होके जद घर लौटे, ता आपनी पतिवर्ता सुपत्नी पद्मावती ने पुछया कारण, ता जद सारा कारण दसिया,
तो पति दे दुख दे च पत्नी भी शामिल हुई। और यह हकीकत है जब कोई महान दार्शनिक महान कवि किसे उलझन दे च फसदा है और उस तो किसे समस्या का समाधान नहीं आता या उसके दिमाग दे चो गीत दियां लहरां नहीं निकल दियां तो जेड़ियां उस वक्त पीड़ा ते तकलीफ दर्द उसके हिरदे दे च पैदा होता है ये वह कवि ही जानता है ये वो ही दार्शनिक ही जानता है। तो काफी दुखी ते चिंतातर मन नाल रात नूं सौ गए। अज जैसे सवेरे उठे ते आपने रोजमर्रा दे कर्म दे मुताबक ग्रंथ चुकया पर पत्नी ने आख्या नहीं तुसी पहले जाओ नदी तट ते इशनान करो रोजमर्रा दे ब्राह्मण दे जड़े कर्म ने उन्हों निभाओ प्रभु भक्ति करो नितनेम करो फिर इस ग्रंथ नूं लिखण दी कोशिश करो ओ गैबी शक्ति रखण वाले परिपूर्ण परमात्मा आप बख्शिश करनगे आप रहमत करनगे। कहिंदे ने पत्नी दी ये गल मन चिंतातुर मन दे नाल श्री जयदेव नदी तट दी तरफ जा रहे ने सोचदे आया कि कोई लैन कोई पंक्ति दिमाग दे चों उभरे पर कुछ उभरदी दिखाई नहीं देंदी। अज हिरदा ऐसा अमावस दी रात बनिया होया है जिहदे च कोई चमकदा होया मामूली जिहा तारा भी नहीं स्यारा भी नहीं। कहिंदे ने इधर जयदेव रुखसत होए नदी तट दी तरफ भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने गुण निधान घर आए के भगत रूप लिख लेख बनावे जयदेव दा ही कोई रूप धारण करके जयदेव दे घर आया ते गीत गोविंद दियां दो पंक्तियां लिख दित्तियां सुनहरी स्याही दे च लिखियां जबकि सारा ग्रंथ काली स्याही दे च लिखिया। लिखदे आया जद पद्मावती ने वेख लिया तां ओ भज्जी होई आई ते कहन लगी रस्ते च ही वापस आ गए इशनान नहीं कीता नितनेम नहीं कीता बंदगी नहीं कीती तां जयदेव जो वास्तविक गुण निधान प्रभु आप सन कहन लगे पंक्ति फुर गई सी लिखण लई वापस आ गया ग्रंथ संपूर्ण हो गया ग्रंथ मुकम्मल हो गया। गीत गोविंद संपूर्ण करके अलोप हो गई ए अगम्मी शक्ति पद्मावती भोजन बनाने दे चलीन। इतनी देर दे श्री जयदेव जी महाराज नदी तट तो इशनान करके वापस आए गोविंद गोविंद दी धुन गीत अलापदे हैं घर दे च प्रवेश होंदे हैं की देखदे ने पत्नी भोजन छक रही है ते जयदेव कहंदे ने मैं ब्राह्मण होके कुछ दिन नित दे कर्म भुल गया सी पर तू भी भुल गई मैनू खिला के ही तू खांदी होंदी सी अज की हो गई बहुत भुख लगी। कहन लगे नहीं तुसी ग्रंथ संपूर्ण कीता ना थानू बहुत खुशी होई सी ते उस खुशी खुशी च मैं थानू भोजन छकाया है पर हुण खुशी इतनी प्रबल है कि थानू छकिया होया भोजन भी याद नहीं रहा। जयदेव सुन के दंग रह गया है मैं भोजन छकिया और गीत गोविंद संपूर्ण हो गया है हाँ संपूर्ण हो गया है तुसी खुद ते कह और वो दो लाइना तुसी सुनहरी स्याही दे नाल लिखिया ने मैं खुद वेखिया ने। भजे हुए जयदेव गए ग्रंथ नू खोलदे ने वाकई ग्रंथ संपूर्ण दो पंक्तियां सुनहरी स्याही नाल लिखिया हुई ने अखर पर प्रतीत कर होए विस्माद ना अंग समावे जैसे उस पंक्ति नू पढ़दे ने विस्माद घर दे चले गए अश्चर्यता ते रहस्य दे चलीन हो गए एकदम आप ते सुरूर तारी होया। अरदास कीती हे त्रिभुवन धनी हे परिपूर्ण परमात्मा
तू मेरे दिमाग दे ही थोड़ी शक्ति पा देंदा कि मैं आप लिख लेंदा। ये खेचलां तुसी क्यों कीतियां? ता कहिंदे अलहाम होया, आकाशवाणी होई, अंतर आत्मा बोली, जयदेव जान बुझ के असी तेरे दिमाग देच ए कमी पाई, खुद लिखिया ताकि तेनू किधरे अहंकार ना हो जाए कि इतने वड्डे ग्रंथ दी रचना मैं कीती है, इसका करता मैं हाँ। ते जद भी किसी भगत नू इस प्रकार का अहंकार हो जाता है ते अपने आप नू करता मन लैंदा है, मेरे नालों उसका संबंध टुट जाता है। ते तू मैनू इतना प्यारा लगे है, मैं नहीं चाहता सी कि तेरे ते मेरे विच कोई वित होवे। बार बार धनवाद दे नाल भरे जयदेव, अश्कबार हो बार बार सजदे च छोए, हे प्रभु लख लख तेरा शुक्र, अज पता चलिया जो मैं बोलदा वो तेरी शक्ति, जो मैं वेखदा वो तेरी शक्ति है, जो मैं चलदा ये भी तेरी शक्ति है, जो मैं करदा ये भी तेरी ताकत है, और जो मैं सोचदा हे प्रभु ये भी तेरी शक्ति है। वास्तविक मेरे रोम रोम दे तू ही कम कर रहे हैं, तू ही वसे हैं, तू ही रमिया है। श्री जयदेव जी महाराज का यह गीत गोविंद नाम ग्रंथ भगतों की दुनिया च बहुत ही प्रसिद्ध है, और इनू पढ़ पढ़ के भगत जन आनंद लेंदे ने। गीत गोविंद दे कुछ हिस्से बकायदा प्रकाशित हो चुके ने, और इन्हां गीतां विच भगती भाव ज्ञान वैराग सब कुछ दैवी गुण समो दिते ने भगत श्री जयदेव जी महाराज ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच आप दा एक संस्कृत विच बड़ा ही सोहना पदा उचारण किया होया जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच गुजरी राग दे अंदर दर्ज है। इस पदे दियां अस्थाई पंक्तियां ये ने, केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग, हे मन केवल राम नाम दा रमण कर ते उस दे ही अमृत स्वरूप दा पान कर। राम कौन, राम कैसा है, किस राम दा अमृत पान करिए, किस राम दा चिंतन करिए, किस राम दे सुरत लीन करिए, तो उस राम दी आप तशरीह कर देने, उस राम दी आप व्याख्या कर देने। इस पदे दे परमाद पुरख मनोपिमंग सत्याद भाव रतन परमद भुतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन। परमाद जो परम आद है, अनादि है, जिसदा मूल नहीं लभ्या जा सकदा, और जो सब दा मूल है, जिदी बुनियाद दा कोई पता नहीं, जो सब दी बुनियाद है, जो सब दी जड़ है, जो सब दा आधार है, ऐसा जिड़ा ब्रह्म है वो अनादि है। परमाद पुरख वो फिर पूरे होया, पुरख तो मुराद पुरी पुरी बसंता सा पुरखा, जो पुरियां पुरियां दे चरमे आया व्यापक है वो पुरख है। परमाद पुरख मनोपिमन मनोपमा तो रहता है, दरअसल मन अपने अनुभव देच पूर्ण तौर ते परमात्मा नु नहीं लिया सकता। मन पूर्ण तौर ते जिसनु सोच नहीं सकता, मन जिसकी पूर्ण तौर ते कल्पना नहीं कर सकता, ते जिसकी मन ही कल्पना नहीं कर सकता उनु जबान नाल कथन करना ते बहुत औखा, उनु अखा नाल ते वेखना बहुत औखा। क्यों कि अखा जिथों तक वेखदियां ने उस तो भी अगे की कल्पना मन कर सकता है, जबान जिथे तक कथन करती है उथों तो भी अगे की कल्पना मन कर सकता है, कन जिथे तक सुन सकते ने उस तो भी ज्यादा कल्पना मन कर सकता है। कल्पना की प्रवास बड़ी बुलंद है, कल्पना बहुत दूर तक चली जाती है, पर श्री जयदेव जी महाराज कहते ने चाहे कल्पना की प्रवास कितनी उच्ची क्यों ना हो, कितनी दूर दी क्यों ना हो, कितनी गहरी क्यों ना हो, फिर भी परमात्मा मेरी कल्पना विच नहीं आऊंगा, वो किसी की कल्पना विच नहीं आऊंगा। मन की सोच तो परे, मन के विचार तो परे, इस वास्ते आप कहने मनो पिमंग मनो उपमा तो रहत है।
परमाद पुरुख मनोपिमं सत आदि भाव रतन ओ सत चित आनंद आदिक भावा दे नाल रथ आया। ओ सत है, ओ चित प्रकाशमई है और ओ आनंद स्वरूप है। एक पंक्ति दे राम दी व्याख्या इंज कर देने, परमाद पुरुख मनोपिमं सत आदि भाव रतन परम अद्भुतन परम अद्भुत रूप है, परम आश्चर्य रूप है। मनुख उत्थे आश्चर्य हो जाता है, हैरान हो जाता है, विस्माद हो जाता है। जिनू वेखे ते पूरा वेख ना सके, जिनू सोचे ते पूरा सोच ना सके, और जिसनू चखे ते पूरा स्वाद ना मान सके, फिर भी वो बच रहे। जिनू सुने ते फिर भी पूरा ना सुन सके, उत्थे विस्माद दा तारी होना कुदरती गल है। उत्थे आश्चर्यता ते रहस्य दा पैदा होना कुदरती गल है। कहिंदे ने एक बच्चा रहस्य दे च जीवंदा है, एक कवि रहस्य दे च जीवंदा है, एक संत रहस्य दे च जीवंदा है। अजोका समा चूंकि इस ढंग दा बतीत हो रहा है कि हर मनुख ऐसा कहिंदा मैं सब कुछ जानदा, चाहे कुछ भी नहीं जानदा। मैं ते सब कुछ वेख लिया, मैं ते सारा सुन लिया, मैं उसनू पूर्ण तौर ते सोच लिया। अगर ऐसा कोई दावा करे तो आश्चर्यता नहीं पैदा होंगी, रहस्य नहीं पैदा होंगा, विस्माद नहीं पैदा होंगा। तो इस तरह का दावा करने वाले अजोके समय च बहुत ज्यादा ने, क्योंकि अज के समय च जितने कॉलेज ने, जितने विद्यालय ने, ये पहले नहीं सी। अजोकी विद्या ने भावें कुछ दिता है या नहीं, लेकिन रहस्य नु खत्म जरूर किया, विस्माद नु खत्म जरूर किया। मनुख दी दुनिया दे जो एक विस्माद सी, रहस्य सी, वो खत्म हो गई, वो अज देखण नु नहीं मिलता। हाँ, बच्चे कोल ए विस्माद है, अजे अबोध है, उसका विस्माद अबोध अवस्था ते खड़ा है, अचेत अवस्था ते खड़ा है। फिर कवि कोल विस्माद है, या इन कह लो कविता का जन्म ही विस्माद तो होंदा है, कविता का जन्म ही रहस्य तो होंदा है। तो कवि रहस्यवादी होंदे ने, संत रहस्यवादी होंदे ने, वो जो कुछ भी वेखदे ने वो ऐसा महसूस करदे ने कि एक रेत दे जर्रे नू भी पूर्ण तौर ते वेखना बड़ा औखा है, क्योंकि वह भी अपने विच बहुत कुछ छुपाई बैठा है, बहुत कुछ छुपाई बैठा है। सूरज नू ते पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है, पर एक जर्रे नू भी पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है। एक दरखत नू ते पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है, पर एक पत्ते नू भी पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है। उहदे विच भी बहुत कुछ छुपिया होया है, बहुत कुछ गुप्त है, बहुत कुछ सूक्ष्म है। तो जैसे ये बोध होंदा है कि बहुत कुछ सूक्ष्म छुपिया होया है जो मैं नहीं देख सकता, बहुत कुछ अदृश्य है, तो रहस्य पैदा हो जाता है। फिर विस्माद मंडल तारी हो जाता है। तो कवि विस्माद विच जीवंदे ने, संत विस्माद विच जीवंदे ने, भगत जयदेव जी महाराज कहंदे ने परम अद्भुतन ओ परिपूर्ण परमात्मा परम आश्चर्य रूप है। परकृत परम ओ प्रकृति तो परे, कहंदे ने रविंद्र नाथ टैगोर सागर तो इशनान करके वापस आ रहे ने, रस्ते विच एक गंदगी दा ढेर पिया, सवेर दा वक्त है, सूरज दियां किरणा उस गंदगी दे ढेर नू छू रहियां ने। ए सारा दृश्य वेख के रविंद्र नाथ टैगोर नच उठे, कहन लगे हे प्रभु तेरी आश्चर्यता जो मेरे ते अज प्रगट होई है ओ ए कि मैं तेरी निर्लेपता दा ज्ञान हासिल कर ले। सूरज दियां किरणा गंदगी नू छू रही ने, फिर भी किरणा गंदियां नहीं हो रही, फिर भी सूरज गंदा नहीं हो रहा। तू मेरे गंदे शरीर दे रोम रोम विच बैठा है, फिर भी तू गंदा नहीं है, तू निर्लेप है, प्रकृति तो परे है, सब कुछ ते विच है, सब कुछ ते दूर है, सबके मत सबों ते बाहर, सारिया देश तू है पर फिर भी सारिया तो बाहर है, निर्लेप है। तो श्री जयदेव जी महाराज कहंदे ने परम अद्भुतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन, जिसका चिंतन करन दे नाल
ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗਤੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਦ ਪੁਰਖ ਮਨੋਪਿਮੰ ਸਤਿਆ ਦੇ ਭਾਵ ਰਤਨ ਪਰ ਮਦਭੁਤਨ ਪਰ ਕ੍ਰਿਤ ਪਰਨ ਜਗ ਚਿੰਤ ਸਰਬਗਤਨ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨੋਰਮੰ ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਤਮਯਨ। ਐਸਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਰਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਨ ਕਰ, ਉਸਦੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਦਨੋਦ ਜਸ ਸਿਮਰਣੇ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾਉਦ ਮਰਨ ਭਯੰ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਵਿਕਲ ਬਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਭਜ ਲੇ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਬੁੱਢੇ ਕੋਲ ਤਨ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਪੂਰਨ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਗਮਈ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਸਾਹਿਬਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਜਰਾ ਮਰਾ ਹਰ ਜਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਾ ਨੀ। ਹਰੀ ਦਾ ਜੋ ਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਕ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਲੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਭਗਤ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਈ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਬਿਰਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਹੁਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਹੁਲਾਸ, ਉਸਦੀ ਉਮੰਗ, ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਗ ਔਰ ਉਸਦੀ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਜਰਾ ਮਰਾ ਹਰ ਜਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਾਨੀ। ਸ੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਦਨੋਦ ਜਸ ਸਿਮਰੇਨ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾਦ ਮਰਨ ਭਯੰ, ਇੱਛਸ ਜਮਾਦ ਪਰਾਭਯੰ ਜਸਵਸ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤਨ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਮਾ ਦਾ ਤਿਸਕਾਰ ਕਰੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਤਾਂ ਜਸ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰ, ਜਸਵਸ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਜਸ ਹੈ ਇਹੀ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਮ। ਇਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਦ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੈਸੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਮਹਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਚਿੰਤਕ ਚਿੰਤਨ ਜੋ ਹੈ ਮਾੜਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਚਲੇਗਾ। ਤੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨਾਮ, ਉਸਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਚਿੰਤਨ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰ। ਇੱਛਸ ਜਮਾਦ ਪਰਾਭਯੰ ਜਸਵਸ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤੰ।
भव भूत भाव सम अभ्यन प्रसन्न पर मन प्रसन्न मेदन। श्री जयदेव जी महाराज कहते ने जो त्रैकाल दर्शी है और एक सार परिपूर्ण जो रमे हुआ है व्यापक है भव भूत भाव सम अभ्यन जो हुण भी है पहले भी सी अगामी जो है होवेगा जो हर समय मौजूद है त्रैकाल दर्शी है भव भूत भाव सम अभ्यन पर मन प्रसन्न मिलन जो अत्यंत प्रसन्न चित्त है जो अत्यंत परम आनंद दे चलीन है तो उस दा ही कल्याणकारी जस उचारण कर यही शुभ कर्म है यही शुभ चिंतन है। अगां चल के श्री जयदेव जी महाराज फरमान कर देने हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा हरीदा भगत मन बाणी शरीर करके प्रभु नाल जुड़े हुए है। ऐसा जो हरीदा भगत है हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा जो गेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा। ऐसा जो भगत है जो मन करके शरीर करके बाणी करके प्रभु विचलीन है ओदे सामने जग तुच्छ है जोग साधना भी तुच्छ है और ऐसे भगत दे सामने दान भी कोई मायने नहीं रखता। भाव दानी तो भी ओ भगत उच्चा है जोगी तो भी ऐसा भगत उच्चा है और जग करन वालियां तो भी ऐसा भगत उच्चा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी मन दिए कि इना सारे कर्म कांडा तो भगत दी जिंदगी उच्ची है जोग जग ने फल तुम मानो जो प्रभ जस बिरसरावे। जिथे भगत पहुंचे है उथे जोग जग दी पहुंच नहीं है दान दी पहुंच नहीं है। इस सब कुछ तो उच्चा जीवदा है भगत हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा। इस पदे दे अखीर दे आप कहंदे ने गोविंद गोविंदेत जपनर सकल सिद्ध पदन जयदेव आयो तस्व फटंग भव भूत सर्वगतंग। गोविंद गोविंदा ऐ मनुख जाप कर और इस तरह जाप कर दे आई तेनु सारी गतियां दी प्राप्ति होवेगी तेनु सब कुछ दी प्राप्ति होवेगी। गोविंद दे चिंतन विच ही संसार दे सुख ने परमार्थ दे सुख ने गोविंद दे सिमरन दे